हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स, हम जो आपका इंग्लिश IRC है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, उसका सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, क्या आपको पढ़ना है, क्या मार्क्स होंगे, क्या किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो में बने रहिएगा और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाले समय में और भी आपको कुछ और भी फायदा हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपका विनोबा यूनिवर्सिटी का है, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स लीडिंग टू माइनर, यानी कि आपका माइनर सब्जेक्ट है। ठीक है, एक तो मेजर था जो कि आपका ऑनर्स पेपर था, या फिर मेजर पेपर कह सकते हैं उसको, ठीक है, और ये आपका माइनर पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश का अंडर NEP 2020 FYUGP, तो FYUGP जो 2022 में लागू हुआ स्टूडेंट्स, यानी कि 4 सालों वाला 4 ईयर्स का, तो उसके अंडर ये सिलेबस है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ स्टूडेंट्स प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स टुवार्ड्स इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ये आपका जो आपके अंदर जो विकास होगा, डेवलप होगा स्टूडेंट्स इसे पढ़ने के बाद, उसके बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका डिजिटल लर्निंग आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इनरिचमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे, कल्टिवेटिंग सेल्फ लर्निंग प्रोपेंसिटीज होंगे, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल फैकल्टी। तो ये आपका जितना भी होगा स्टूडेंट्स, ये आपके अंदर न्यू डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको इससे, जो आपको जीवन में बहुत काम आएगा। यहाँ से आपका शुरू है स्टूडेंट्स Semester 1 Paper 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें पॉपुलर लिटरेचर फिक्शन एंड ट्रेवल राइटिंग, मेन जो पॉइंट है स्टूडेंट्स यहीं पर है। ठीक है, ये आप समझ गए तो पूरा सिलेबस समझ गए। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, पॉपुलर लिटरेचर यानी कि प्रसिद्ध साहित्य, कुछ प्रसिद्ध साहित्य इंग्लिश में भी हिंदी में भी जिस तरह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए किस टाइप का पॉपुलर साहित्य है, किस तरह से मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो फिक्शन यानी कि आप लोग का उपन्यास, ठीक है, उपन्यास एंड ट्रेवल राइटिंग, और जो यात्रा वृत्तांत या यात्रा लेखन कर सकते हैं इसको, तो उपन्यास और यात्रा लेखन मेन पॉइंट आपको यही पढ़ना है। ठीक है, उपन्यासों को पढ़ना है इंग्लिश में, और ट्रेवल राइटिंग यानी कि यात्रा लेखन को पढ़ना है, तो इनसे आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स फुल मार्क्स आपका 100 है। ठीक है, उधर 3 घंटे का होगा। ठीक है, ये क्रेडिट 3 लिखा हुआ है, घंटे नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन 3 घंटे का आपका होगा, ये फुल मार्क्स 100 ही होंगे आपका। ठीक है, और इसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको भी हम दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स आपका, सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन 25 मार्क्स का होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन आपके कॉलेज में होंगे। ठीक है, उसमें से 25 में आपको फिर डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, रिटेन एग्जामिनेशन 20 मार्क्स, फिर ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस या अटेंडेंस 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका 20 और 5 मिलाकर 25 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पैटर्न इन सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका कॉलेज समझेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा सो इंटरनल एग्जामिनेशन में, लेकिन आप भी समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विदाउट मल्टीपल चॉइस टू बी आंसर्ड, यानी कि कुछ मल्टीपल टाइप का होगा। ठीक है, तो ये आपको देना पड़ेगा, 5 मार्क्स का होगा। फिर यहाँ आप देखिए वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड कंपल्सरली आउट ऑफ 3 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्ट, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच प्रिस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो ये आपको जो है स्टूडेंट 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कंपल्सरी ये करना। ग्रुप बी में स्टूडेंट्स 1 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग आंसर टाइप आउट ऑफ 3 क्वेश्चन आंसर्ड फ्रॉम ऑल द टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्ट, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच प्रिस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो आपको जो स्टूडेंट्स 1 क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टाइप का ये आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स और 5 मार्क्स, जैसा कि अभी बताए अटेंडेंस या फिर ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस या अटेंडेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, अभी सिलेबस नहीं बताएं स्टूडेंट, सिलेबस बताएंगे। ठीक है, पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख लीजिए इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 75 मार्क्स का होगा, जैसा कि अभी बताया, जो एडमिट कार्ड लेकर आपको जाकर देना पड़ेगा किसी दूसरे सेंटर में। ठीक है, यानी कि अपने जहाँ आपको सेंटर पड़ेगा वहाँ जाकर देना एग्ज़ाम।
क्वेश्चन पैटर्न इन इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दो टाइप का ग्रुप होगा स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन रहेंगे आपके फाइव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विदाउट मल्टीपल चॉइस टू बी आंसर्ड फ्रॉम ऑल द टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्ट। तो आपका जो स्टूडेंट्स फाइव ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा विदाउट मल्टीपल चॉइस, यानी कि आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस के वगैरह, यानी कि स्टूडेंट्स आपको मल्टीपल चॉइसेस नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चंस इस टाइप का नहीं रहेगा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। विदाउट मल्टीपल चॉइसेस टू बी आंसर्ड फ्रॉम ऑल द टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्ट, फाइव मार्क्स का होना है आपको, पाँच क्वेश्चन दिए जाएंगे एक एक मार्क्स का, ठीक है, आपको बनाना है, ठीक है। सेकेंड में है टू क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड कंपल्सरली इन शॉर्ट आंसर टाइप आउट ऑफ फोर क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्ट, ठीक है। आपको चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको दो का आंसर देना कंपलसरी है, ठीक है। फिर यहाँ तक आप समझ गए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पांच क्वेश्चन का आंसर देना है, प्रत्येक वन मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टू क्वेश्चन का आंसर देना है जो प्रत्येक फाइव मार्क्स का होगा, ठीक है। और यहाँ ग्रुप बी देखिए, ग्रुप बी में है फोर लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ द चॉइस ऑफ सिक्स क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द टेक्स्ट प्रिस्क्रिप्ट टू फ्रॉम ईच प्रिस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ आपको जो स्टूडेंट्स चार लॉन्ग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर देना है छः क्वेश्चंस में, यानी कि दो आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ आपका चार जो यहाँ आपका पांच हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ दो हो गया, यहाँ चार हो गया, ये आपका पंद्रह अंक यानी कि 15 मार्क्स का होगा। तो फोर से आप ये कर सकते हैं, तो आपका 60 मार्क्स इसी से हो जा रहा है, ठीक है। और 15 मार्क्स आपका यहाँ 10 मार्क्स हो रहा है, यहाँ 5 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट। तो टोटल आपका 75 मार्क्स हो रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सिलेबस पर चलते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स द फॉलोइंग टेक्स्ट आर प्रिस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना से ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखिए, आपको कुछ उपन्यास वगैरह हैं तो आपको यहाँ उसको पढ़ना है, उपन्यास या साहित्य कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मिहिर वत्स का क्या है, टेल्स ऑफ हजारीबाग, ठीक है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। मिहिर वत्स का टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट, स्पीकिंग टाइगर पब्लिकेशन का बुक है ये वाला, और लेखक यानी राइटर है मिहिर वत्स, इनका एक चैप्टर का नाम है, ठीक है, टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पढ़ना, इसे क्वेश्चन आएंगे। फिर है चेतन भगत का है 5.1 व्हाट डू नॉट टू एट आईआईटी, ठीक है, व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी। तो आपका चेतन भगत का है 5.1, ठीक है। तो ये आपका चेतन भगत वाला ले लेना है, व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी। फिर मेरे वर्ष का ले लेना है। फिर आर्थर कोनन डॉयले, ठीक है, इसका है द हाउंड ऑफ द बास्कर विल्स, ठीक है, द हाउंड ऑफ द बास्कर विल्स। तो इसका ए वाला बुक आपको पढ़ना है, या फिर जो इसका कहानी होगा तो कहानी को पढ़ लेना है, ठीक है, कहानी पढ़ लेना स्टूडेंट्स, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, बुक लेना अगर ज़रूरी है तो बुक ले लीजिए, ठीक है। तो आपको कॉलेज में भी मिलता है लाइब्रेरी का सुविधा, तो वहाँ पर आप दिखा कर ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। फिर आपको जमा कर देना पड़ेगा वहाँ, इसलिए आप अगर चाहे तो बुक भी ले सकते हैं। और भी है स्टूडेंट्स जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, पॉपुलर फिक्शन यानी कि प्रसिद्ध उपन्यास को पढ़ना है, कंटेम्प्रोरी टेबल राइटिंग इन इंडिया, अभी जो वर्तमान में समसामयिक समय में यानी कि अभी के समय में जो भी टेबल राइटिंग हो रहा है भारत में यानी कि इंडिया में, ठीक है, टेबल राइटिंग मीन्स यात्रा लेखन, ठीक है। तो भारत में जो कंटेम्प्रोरी हो रहा है तो उसको लिखना है, समसामयिक यात्रा लेखन, मतलब भारत में समसामयिक यात्रा लेखन, ठीक है। राइज ऑफ इंडियन इंग्लिश पॉपुलर फिक्शन, तो जो भारत में अंग्रेजी प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासों का जो उदय हो रहा है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर है डिटेक्टिव नॉवेल्स, कुछ जो जासूसी टाइप का नॉवेल्स है, उपन्यास वगैरह, तो उसको भी आपको
पढ़ना है। सिलेबस ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब आगे का जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हो गया, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हम अपने चैनल में बताते हैं, और यूजी पीजी के साथ साथ अगर आप कुछ अलग भी करते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल में वीडियो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बताना था फ्रेंड्स, चैनल को जल्दी से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे।